हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर, आज से हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में आज हम पहला चैप्टर लेंगे अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फॉरेन करेंसी, जिसको हम लोग बहुत लोग फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर अलग अलग नाम से जानते हैं। सबको अगर जिसको भी ये चैप्टर है उनके लिए यूजफुल है। ये चैप्टर का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो मैं लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। चैप्टर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के हिसाब से ये चलता है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में आप लोग को पूछ सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसमें होता क्या है। तो सब में पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, उससे आप लोग को समझेगा। आप एक इंडियन कंपनी है समझ लीजिए, आप क्या है, एक इंडियन कंपनी है समझो, आप लोग का एक फैक्ट्री है। तो आप लोग को एक मशीन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो मशीन आपने मंगाया, क्या करा आपने, मशीन मंगाया। कहाँ से मंगाया, अमेरिका से मंगाया। जो अमेरिकन कंपनी है उसने आपको मशीन दिया, ठीक है। तो आप लोग ने, अब मैं लिख लेता हूं यहां पे इंडियन कंपनी, ठीक है ना। इंडियन कंपनी जो है आप लोग की समझो रेक्स लिमिटेड है, ठीक है। और जो अमेरिकन कंपनी है आप लोग की जिससे आपने मशीन मंगाया है वो जो है उसका नाम है डेल लिमिटेड, ठीक है। आपने उनको ऑर्डर दिया कहे का मशीन का। अब आप लोग को पता है कि जब आप अमेरिकन कंपनी से कोई चीज मांगोगे बराबर ना, तो वो आप लोग को जो प्राइस कोट करेंगे वो आप लोग को किसमें करेंगे, डॉलर्स में, बराबर ना। वो आप लोग को डॉलर्स में बताएगा कि इतने रुपए की मशीन लेगी। अब वो जिम्मेदारी आपकी है, आप उसको कन्वर्ट कीजिए आपकी करेंसी में, बराबर है। तो समझो उसने आप लोग को बोला कि वो जो मशीन है डॉलर 1 लाख की है, 1 लाख डॉलर की है, ठीक है। उसने आपको बता दिया कि जो आप मशीन लोगे उसके लिए कितना रुपए लगेगा, 1 लाख डॉलर्स लगेंगे, बराबर है। अब जब आप अपनी बुक में इसकी एंट्री करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, आपने जितनी भी एंट्रीज की हो आपकी रिपोर्टिंग करेंसी जो आप लोग की करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, क्योंकि आप इंडिया में हो, इंडियन कंपनी हो, तो आप लोग सारी चीज़ें किस में लिखते हो, रुपीज में लिखते हो, बराबर है। लेकिन जो आपने मशीन मंगाया है वो किस में, जो मंगाया था उसका जो कोड था, रेट था, प्राइस था, वो किस में मिला आप लोग को, डॉलर्स में मिला है। तो आप लोग अगर उसको 1 लाख लिखोगे आपकी क्या बोलते हैं बैलेंस शीट में या आपके स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस में, तो दोनों क्या बोलते हैं जस्टिफाई कर पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो 1 लाख और इंडिया का 1 लाख में बहुत फ़र्क है। वो 1 लाख डॉलर इंडिया में आके कितना बच जाएगा, अभी समझो फिलहाल 73 का रेट चल रहा है, तो 73 लाख की है। अगर आप लोग ने 1 लाख लिख दी आपकी इसमें तो आप लोग का स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा नहीं। तो मतलब आपको जो करेंसी है जिस कंट्री से भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, चाहे इंपोर्ट करो, अभी से आपने ये क्या करा है, इंपोर्ट किया, मंगाया है मशीन, बगरा बनना क्लियर है, आपने मशीन मंगाया है, इंपोर्ट की है, कभी एक्सपोर्ट करते हो आप लोग, तो जो भी हो आपका पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा, या आपको पैसा आने वाला है या पैसा जाने वाला है, तो आप लोग को उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ये सब में बड़ा प्रॉब्लम आता है, बराबर ना। तो वो ही करने के लिए ये चैप्टर बना है कि उसका क्या रूल्स है, किस तरह से करना चाहिए, क्या उसके स्टेप्स हैं, उसके जनरल एंट्री कैसी आएगी, उसके लेजर्स कैसे बनेंगे, वो सब के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। वही सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया कि इंडियन कंपनी इसको बेचेगी किसमें, सॉरी इससे मंगा रही है, डेल कंपनी से क्या मंगा रही है, एक मशीन मंगा रही है जो 1 लाख डॉलर की है, बराबर है। तो अभी आप लोग यहाँ पे जो देखेंगे तो इन लोग की करेंसी क्या है, रुपीस, और इन लोग की करेंसी क्या है, डॉलर, बराबर ना। तो ये जो रुपीस है आपकी जो डोमेस्टिक कंट्री है जिसने अपना प्रोडक्ट मंगाया है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग करेंसी, क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग करेंसी, बराबर है। और जो आप लोग के सामने वाली कंपनी है वो आपका क्या रहेगा, फॉरेन करेंसी, उनका जो मतलब एक्सचेंज जिस करेंसी में लोग डील करते होंगे वो आपकी क्या रहेगी, फॉरेन करेंसी रहेगी। अभी आप लोग को आपके चैप्टर में जो सिलेबस जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो वीडियोस बनाने वाला हूँ उसमें सिर्फ डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉलर मतलब अमेरिका से ही मंगाएं, चाइना से मंगा सकते हैं, जापान में मंगा सकते हैं, जर्मनी से मंगा सकते हैं, ब्रिटेन से मंगा सकते हैं, बराबर ना। तो अलग अलग कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्री होगी तो यूरो रहेगा आप लोग का, तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग एक्सचेंज रेट हो सकता है, वो आप लोग को तो पता चल जाता है ऑनलाइन देख के, बराबर ना। तो उस हिसाब से आप लोग को ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगी। अभी आप लोग को सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ डॉलर्स के हिसाब से ही आप लोग को बताया है, ठीक है ना। तो मतलब जिस कंट्री में आप हो
वो कंट्री की करेंसी आप लोग के लिए क्या रहेगी, रिपोर्टिंग करेंसी। मतलब अभी फिलहाल हम इंडिया की बात करें तो हम लोग इंडिया में हैं तो हम लोग के लिए रुपीज़, तो रुपीज़ क्या है हमारे लिए, इंडियन करेंसी मतलब रिपोर्टिंग करेंसी बराबर ना। जिस कंट्री से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो करेंसी आप लोग के लिए क्या रहेगी, फॉरन करेंसी। उसी दोनों को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, इसलिए तो ट्रांसलेट करके आप लोग को एंट्री करना पड़ेगी बराबर ना। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना मतलब इतना क्यों टेंशन आता है, टेंशन इसलिए आता है कि ये तो ठीक है एक बार में कर लिया तो आप लोगों तुरंत कर लोगे, लेकिन जब पेमेंट मल्टीपल टाइम्स होता है, ये तो एक बार में पेमेंट आपने पूरा कर दिया, 1,00,000 रुपये का मंगाया, मशीन मिली, आपने पेमेंट कर दिया, तो जिस टाइम पर रहेगा वो आपने पेमेंट कर दिया तो आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को स्पॉट रेट मतलब आज का जो रेट रहेगा उसमें पेमेंट कर दोगे आप लोग, तो क्लियर हो जाएगा कि ट्रांजेक्शन। लेकिन मोस्टली कंपनियां पेमेंट एक बार में नहीं करती है, मल्टीपल टाइम्स में पेमेंट करती है। तो जब मल्टीपल टाइम्स में पेमेंट होगा तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे बराबर ना। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है ना। अब इंडियन कंपनी ने अमेरिकन कंपनी से मशीन मंगाया है, कितने डॉलर का मंगाया है, 1,00,000 का मंगाया है। इसकी डेट है समझ लीजिए, जो डेट है समझो, एग्जांपल हम लोगों ने क्या करने के लिए ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, परचेज के लिए बोला है बराबर है। डेट थी उसके लिए, ऊपर डेट लिख लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोग को समझा दूँ, बाद में जैसे जैसे टर्म्स आते हैं वैसे वैसे आप लोग को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे या थोड़ा बोर हो जाएंगे आप लोग, इसलिए मैं पहले डायरेक्टली एग्जाम्पल ले रहा हूँ और फिर उसके हिसाब से उसको समझाऊंगा और फिर अगले लेक्चर से डायरेक्टली क्या बोलते हैं अपना जो प्रॉब्लम्स है टेक्सचुअल बराबर उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को। तो डेट समझ लिया आप लोग ने, 10 जनवरी को आप लोग ने 2021 को आप लोग ने मशीन मंगाई, 10 जनवरी 2021 को आपने मशीन मंगाई है मतलब परचेस किया है, ठीक है। वो था समझो $1,00,000 की मशीन आपकी, क्लियर है। उस टाइम पे एक्सचेंज रेट था समझ लो 73, अभी 73 है बराबर है। अब जब आपने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोले कि जो पेमेंट देंगे हम लोग चार बार में देंगे, 25 25 25 25 करके पेमेंट देंगे, मतलब पूरा पेमेंट एक बार में नहीं देंगे, 25 25 हज़ार करके देंगे बराबर है। तो आप लोग ने बोले एक महीने का गैप लेंगे, तो 10 फेब को पेमेंट करोगे आप लोग, समझो यहाँ पे आप लोग करोगे पेड बराबर ना, या पेमेंट लिख सकते हो क्योंकि आपने खरीदो तो आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा बराबर ना। $25,000 चार बार में आपने बोले पेमेंट करूंगा मैं बराबर है। फिर 10 3 2021 को वापस से आप लोग का पेमेंट होगा, कितने का रहेगा वो भी 25,000 का। फिर 10 4 2021 वापस से पेमेंट, कितने का पेमेंट रहेगा 25,000। अब 10 5 2021 पेमेंट कितना $25,000। ये आप पेमेंट करोगे चार बार में बराबर है। अब जब चार बार में पेमेंट करोगे तो सब टाइम क्या होगा, एक्सचेंज रेट अलग अलग हो सकता है, समझो एग्जांपल इस टाइम पे एक्सचेंज रेट हो गया 72, इस टाइम पे एक्सचेंज रेट हो गया 74, इस टाइम पे एक्सचेंज हो गया 75, इस टाइम पे एक्सचेंज हो गया 71 बराबर है। अब ये एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, मोस्टली क्या होता है पॉइंट्स में रहता है, लेकिन अभी आप लोग को टेक्स्ट बुक के हिसाब से मतलब बोलते ना सिंप्लीफाई करके आप लोग को ज्यादातर पॉइंट्स में नहीं दिया, नॉर्मल में ही दिया हुआ, क्लियर है। चलिए अब इस ट्रांजेक्शन के हिसाब से हम लोग को क्या करना है, सोचना है कैसे जर्नलिटीज होगी और क्या क्या अकाउंट्स बन सकते हैं हम लोग के उसके बराबर है। अब मैं आप लोग को थोड़ा जर्नल एंट्री के बारे में ले जाता हूँ डायरेक्टली, ज़्यादा आप लोग को टेंशन नहीं देता हूँ मैं बराबर ना, एकदम टेंशन लेने का नहीं। अब ये जो आप लोग का पहला ट्रांजेक्शन है, ये काय का ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, परचेस, आपने परचेस किया, परचेस बोलेगा आपने इम्पोर्ट किए हो, अलग अलग वर्ड यूज़ करेगा वो समझ जाने का, क्या आपने इम्पोर्ट किए मशीन, तो आप लोग के पास क्या आई मशीन बराबर ना। तो आप लोग डेबिट में क्या लिखोगे, मशीन, अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेस कर रहे हो डेल, तो क्या लिखोगे आप लोग डेल लिमिटेड बराबर ना। मशीन आई किससे आई डेल लिमिटेड, जरूरी नहीं कि मशीन खरीदो, आप लोग कभी कभार आप लोग के गुड्स खरीदते हो तो गुड्स लिखोगे, जो भी रहेगा वो आप लोग लिख सकते हो बराबर ना। गुड्स लिखोगे तो आप लोगों को पता होगा, गुड्स अगर आप लोग के पास आया तो आप लोग उसको गुड्स नहीं लिखते हो, क्या लिखते हो परचेस लिखते हो बराबर ना। तो वो ध्यान देने का, बहुत लोग उसको इम्पोर्ट लिखते हैं, इम्पोर्ट परचेस, तो वो कोई बात नहीं चलता है वो, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग को सोचना पड़ेगा कि कितना अमाउंट लिखेंगे, तो 1,00,000 अगर डॉलर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इंडियन रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग करेंसी क्या है रुपीज़ है, तो आप लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा 1,00,000 × 73, तो हो जाता है 73,00,000। तो ये आप लोग जनरल एंट्री कर लोगे, डेबिट में भी 73,00,000, क्रेडिट में भी 73,00,000 बराबर है। अब पहले ट्रांजेक्शन पे तो यहाँ पे आप लोग को डेट लिखना है, मैंने कॉलम नहीं बनाया, समझ लो आप लोग को डेट लिखना है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग 10 जैन, ठीक है।
पहली ट्रांजेक्शन में तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी तक कंपैरिजन नहीं मिला है, बराबर है। जब अगला ट्रांजेक्शन आएगा, 10th February आएगा, तो आप लोग ने पैसा क्या करे हो, पे करो। पैसा पे करो मतलब आप लोग का पैसा जाएगा। तो पैसा जब भी आता है तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, जाता तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक। क्योंकि जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, आप लोग के बैंक के जरिए होते हैं। आप लोग के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए एक अकाउंट होना चाहिए एक्जिम बैंक, बराबर ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10-2 क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक। क्योंकि पैसा आप लोग का जा रहा है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। पैसा जब आप लोग के पास आएगा तो बैंक डेबिट में लिखने का, पैसा जब जाएगा तो बैंक कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में लिखने का। क्लियर है? उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, बराबर है। चलिए, पैसा आया, पैसा गया, सॉरी किसको गया, वो डेबिट में लिखने का ना, तो किसको गया, डेल लिमिटेड को। क्लियर है? किसको लिखने का, किसके पास गया, डेल लिमिटेड को। वो अपने पढ़े थे डेबिट द रिसीवर, तो लिख गया डेबिट। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट में है, तो सिंपल सी बात है, अपोजिट चीज क्या पड़ेगी, डेबिट में रहेगी। तो किसको गया, डेल को, तो लिख दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जब भी कोई पैसा हम लोग रिसीव करेंगे या हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे। जब भी पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे या पे करेंगे, तो हमेशा याद रखना आप लोग को क्या निकालने का है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्या, FEF अकाउंट बनाना पड़ेगा आप लोग को। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, FEF, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है ना। उसमें क्या रहता है, अगर ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट होता है, ये अकाउंट होता है नॉमिनल, क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल मतलब आप लोग को पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, बराबर ना, और क्रेडिट क्या करते हैं हम लोग, इनकम एंड गेन। ये हम लोग का जो FEF रहेगा वो क्या रहेगा, नॉमिनल अकाउंट रहेगा। डेबिट अगर एक्सपेंस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, बस इतना टेंशन लेने का नहीं। अब वो प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, तो एकदम सिंपल तरीका है। हम लोग ने जो मशीन खरीदे थे पहले, वो चेक करने का कितने में खरीदे थे, तो ये 1 lakh नहीं पकड़ने का। अब क्या पकड़ने का, सिर्फ इतना दिमाग रखने का कि हमने 73 rupees में, समझो जब डॉलर का रेट क्या था, 73 था, तो हमने खरीदे थे एक्सचेंज रेट, बराबर है। अब जो पैसा पे कर रहे हैं हम लोग, दोनों को कंपेयर करने का, खुद समझने का, खरीदे 73 में, सब बोलने का हिंदी में अगर तुम लोग को नहीं जमते हैं तो, क्या खरीदे कितने में, 73 में, पे कर रहे 72 में, तो खुद दिमाग लगाने का, खरीदे 73 में, पे कर रहे 72 में, मतलब 1 rupee का क्या आप लोग को फायदा है, 1 rupee कम देना पड़ रहा है ना आप लोग को, तो 1 rupees का आप लोग को क्या है, फायदा है। तो यहाँ पे बाजू में लिख लेने का, यहाँ पे बाजू में क्या कर लेने का, थोड़ा मेंशन कर लेने का कि हम लोग का 1 rupees का क्या हो गया, प्रॉफिट, क्या हो गया, 1 rupees का प्रॉफिट, पी लिख दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, 1 rupees का प्रॉफिट हुआ। अब ये अमाउंट कैसे लिखेंगे सर, प्रॉफिट हो गया तो आप लोग को पता है, अभी मैंने बोल दे कि FEF कौन सा अकाउंट है हम लोग का, नॉमिनल। प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया तो आप लोग कहाँ पे लिखते हो उसको, क्रेडिट में, तो लिख लीजिए 2FEF अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा, फुल फॉर्म लिखना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब आप लोग को क्या फायदा हो गया, 1 rupee का फायदा हो गया, इसलिए आप लोग ने क्रेडिट में लिख दिया FEF को। लॉस होता तो FEF कहाँ पे रहता था, डेबिट में रहता था, ये दोनों तो सेम रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब कैसा लिखना है सर, अमाउंट कैसा लिखना है, क्योंकि मोस्टली ये जो एंट्री याद होती है, क्योंकि सिंपल 10th की तरह 11th के तरह एकदम सिंपल एंट्री से, लेकिन अमाउंट लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो अमाउंट लिखने का सिंपल तरीका बताऊँ आप लोगों को, देखो आप लोगों ने कितना पैसा पे करे हैं, $25,000 पे करे, कितने के हिसाब से पे करे, 72 के हिसाब से, दोनों क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो लिखो 25,000 × 72 कितना होता है, 18 lakh, तो बैंक में कितना लिख दोगे आप लोग, 18 lakh, क्योंकि आप लोग का ये बैंक का पेमेंट है ना, तो आप लोगों ने बैंक के जरिए पे करेंगे। फिर 25,000 फायदा कितना हुआ आप लोग को, 1 rupee का, तो 25 × 25, तो 25,000 कहाँ पे आ जाएगा, FEF में, क्योंकि प्रॉफिट वाले पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, बराबर है। अब क्रेडिट में हम लोग का 18,25,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस कितना होता है, 18,25,000, बराबर है, ये आप लोग ने लिख दिए, फिनिश। यहाँ पे नरेशन आप लोग को लिखना है, तो बीइंग मशीनरी परचेज या इम्पोर्टेड फ्रॉम डेल लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिखने का $1 into किससे मल्टीप्लाई कर अपने 73 से, वो वहां पे शो कर देने का। क्लियर है? इसी में बीइंग पेमेंट मेड टू डेल लिमिटेड $1 25,000 × 72 और FEF में कितना गया 25 × 1, वो भी ब्रैकेट में मेंशन कर देने का। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोग का इसका एंट्री।
कोई टेंशन इसमें नहीं। पहले क्या किए, 25 को इससे मल्टीप्लाई करें बैंक में लिखे, 25 को इससे मल्टीप्लाई करें FEF में लिखे, बैलेंसिंग निकाले पूरा के पूरा डेल में चले गया। इसके लिए अलग तरीका है कि ये 72 बराबर ना, और ये 1 क्या है आप लोग का प्रॉफिट बराबर है ना। तो इसमें अभी ऐसा करो तो आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोग को ऐसा नहीं समझाया, इसलिए आप लोग को बैलेंसिंग से समझाया। क्योंकि अभी इसमें क्या पेमेंट करने टाइम पे अलग है और मतलब पैसा देने के टाइम पे अलग रूल है और पैसा लेने टाइम पे अलग रूल है, तो आप लोग कंफ्यूज होते हो, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोग को ऐसा समझा रहा हूँ तो ज़्यादा इजी लगेगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर आते हैं 10/3 मार्च बराबर है। 10th मार्च को आप लोग ने पैसा वापस से पे करा है, कितना पे करा, $25,000 बराबर ना। तो पैसा पे करा तो 2 क्या हो जाएगा आप लोग का बैंक बराबर है, किसको पे करा डेबिट में लिख देंगे, डेल लिमिटेड बराबर ना। अगला काम क्या हम लोग को कंपेयर करना कि हमको जब भी मैंने बताया था पैसा आएगा या पैसा जाएगा, तो आप लोग को कंपेयर करना पड़ेगा कि आप लोग को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, किस वजह से लॉस, एक्सचेंज की वजह से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है बराबर ना। तो आप लोगों ने खरीदे कितने में थे, 73 में पढ़ने का, परचेज किए थे 73 में, परचेज किए थे 73 में, आप लोगों ने पे करे पेमेंट किए कितने में, 74 में। तो एक रुपया 73 में खरीदे पेमेंट दे रहे 74 में, मतलब एक रुपया क्या हो गया आप लोग को लॉस हो गया बराबर है। और लॉस कहाँ पे आता है, डेबिट में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा अकाउंट बनाते हैं उसके लिए, यस याद है आप लोग को, FEF अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। बस फिनिश, नकली सा काम एकदम। अब क्या करते हैं हम लोग, 25 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 74 से। तो करिए 25 × 70 25,000 × 74 तो होता है 18,50,000। तो ये 18,50,000 की कहाँ पे लिखोगे आप लोग, बैंक में लिखोगे, तो बैंक में लिख दो 18,50,000 बराबर है। अगला काम क्या है, 25 को मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, 25 × 1 = 25 तो कहाँ पे लिखोगे उसको, FEF में, तो लिख दिए 25 बराबर है। फिर अब क्या करना है, आप लोग बैलेंसिंग, डेबिट में 25 है, क्रेडिट में कितना, 18,50, बैलेंस कितना होता है 18,25, तो यहाँ पे लिख दो 18,25 बैलेंसिंग करने का और डेल में लिखने का हर एक पेमेंट वाले एंट्री में। क्लियर है, चलिए नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू डेल, बीइंग पेमेंट मेड टू डेल 25,000 × 74 कॉमा FEF में क्या लिखे उन्होंने, 25 × 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 10/4, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, 10th अप्रैल आ गया, मतलब साल क्या हो गया आप लोग का, एंड हो गया है। क्योंकि साल एंड कब होता है, मोस्टली क्वेश्चन में रहता है 31st मार्च बराबर है ना। 31st मार्च को आप लोग का साल फिनिश हो गया, तो जब भी साल एंड होगा, ईयर एंड होगा, तो आप लोग की अकाउंटिंग की बुक क्या होती है, क्लोज होती है, और उस डेट पे आप लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखते हो बराबर ना। तो याद रखना, जब भी अकाउंटिंग ईयर चेंज होगा तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज करना पड़ेगी, डायरेक्टली नेक्स्ट एंट्री पे नहीं जाने का, अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ तो, ठीक है ना। अकाउंटिंग एंड की डेट पे आप लोग को 2 से 3 एंट्री करनी पड़ सकती है। पहली एंट्री काहे की होगी, पहली एंट्री ये इसकी होगी कि आप लोग को सोचना पड़ेगा, अगर आप लोग को पेमेंट करने पर, क्योंकि आप लोग अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हो, आप लोग को इस डेट पे पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है बराबर ना। क्योंकि आप लोग पूरा फाइनल अकाउंट बनाओगे, आप लोग बैलेंस शीट बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, तो आप लोग को उस डेट तक आप लोग को कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उस डेट पे क्या निकालते हो लोग, अगर हम लोग का जो पैसा बचा हुआ है उससे पैसा हम लोग उस, मतलब जो पैसा बचा हुआ उस पर हम लोग को अगर पेमेंट करते या रिसीव करते, अभी यहाँ पे पेमेंट करने की बात चल रही है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो अब कैसे निकालते हैं वो, देखो मैं डेट लिखता हूँ 31st मार्च 2021, ठीक है ना। अब जब ये डेट रहेगी ना आप लोग की, तो उसका ना एक्सचेंज रेट दिया होगा, क्या दिया रहेगा, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट उसका अलग से दिया रहेगा। हम जो एग्जांपल ये डेट है, एक्सचेंज रेट इसका दिया हुआ है 76, कितना दिया हुआ है 76 दिया हुआ है। समझ लो एग्जाम्पल कि 31st मार्च को आप लोग का जो एक्सचेंज रेट है वो कितना है 76, तो वो एक्सचेंज रेट को जिससे हमने खरीदे थे उससे क्या करने का, कंपेयर करने का और देखने का कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपने खरीदे थे 73 में, अगर आप लोग को ये डेट पे एक्सचेंज रेट पे पेमेंट करना पड़ता तो कितने में करना पड़ता, 76 में, मतलब 3 रुपीज का आप लोग को क्या है, लॉस है, 3 रुपीज का लॉस है। और लॉस कहां पे आता है आप लोग को पता है, FEF अकाउंट बराबर ना, FEF लिखते, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो FEF ही लिखते। खाली अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, लॉस होगा तो FEF को कहां पे लिखते, डेबिट में लिखते। तो अभी लॉस हो गया तो FEF को डेबिट में लिख दिया बराबर है। किस वजह से, किस किस कंपनी से लॉस हो सकता था उसका सामने नाम लिखने का, किसके नाम से, डेल लिमिटेड से।
बराबर है, क्लियर है, इतना समझ गया सबको। तो ईयर एंड पे क्या निकालने का, जो बचा हुआ पेमेंट है, अगर पेमेंट आता तो प्रॉफिट होता के लॉस होता, तो कैसे करने का, ईयर एंड का एक्सचेंज रेट और खरीदने का एक्सचेंज रेट को क्या करने का, कंपेयर करने का। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीनों पे का लॉस, अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, अमाउंट कैसे लिखेंगे, मैंने जो बताया आप लोग को कि बचे हुए पेमेंट का हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, तो बचा हुआ पेमेंट कितना है 50,000, ये दोनों मिला के बराबर ना, तो कैलसी में लेने का 50,000 इंटू लॉस कितना हो सकता था 3 रुपीज का, तो इंटू 3 तो कितना होता है 1,50,000, तो यहां पे लिख दोगे आप लोग 1,50,000। क्लियर है सबको ये, चलिए ये हो गया आप लोग का एंट्री 31 मार्च की, काई की एंट्री हो गई है आप लोग की, जो आप लोग को जो बैलेंस बचा था बराबर ना, रिमेनिंग अमाउंट का, उसका जो आप लोग का गेन था, आप लोगों ने क्या कर दिया, गेन नहीं था यहाँ पे, लॉस था, लॉस को आप लोगों ने क्या करे, कैलकुलेट करे, ठीक है ना, डोनेशन में भी लिखने का बींग लॉस ऑन क्रिएटर्स कैलकुलेटर बराबर ना, ऑन वैल्युएशन बराबर ना, यहाँ पे डोनेशन में लिखो आप लोग क्या, बींग लॉस ऑन वैल्युएशन ऑन ईयर एंड, वैल्युएशन करे अपने इस पर ईयर एंड पे, और लॉस हो गया आप लोग को, गेन नहीं तो गेन मॉड्यूस करने का। फिर एक एंट्री और आएगी, दो एंट्री, हाँ दूसरी एंट्री क्या आएगी, जितना भी आप लोग को प्रॉफिट और लॉस हुआ है किसमें, जितना भी FEF अकाउंट में पैसा था उसमें गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सबके सब कहाँ ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, FEF का पैसा कहाँ ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो लास्ट वाली एंट्री रही उसमें। तो कैसे ढूंढने का, वो एकदम सिंपल, FEF जिसमें भी था उसको लिख लेने का, कैसे लिखने का, ऐसा लिखने का, डेबिट और क्रेडिट, कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे देखेंगे हम लोग, पहले एंट्री में देखिए FEF है क्या नहीं है, दूसरी में है, कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखिए 25,000 बराबर है, तीसरी एंट्री में है FEF, यस है, कहाँ पे है, डेबिट में 25,000, चौथी एंट्री में है, यस है, कहाँ पे है, डेबिट में, तो कितना होता है 1,50,000, तो अगर दोनों का टोटल करोगे, इसका टोटल होता है आप लोग का 1,75,000 और इसका होता है 25,000 बराबर ना। अब आप लोग अगर देखोगे तो ये डेबिट है और ये क्या है, क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट, ये होता है आप लोग का 1,50,000, किसमें आया आप लोग का, ये डेबिट में, क्योंकि आप लोग को मालूम है डेबिट क्रेडिट अपोजिट साइड है तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कर दिया मैंने 1,50,000 लिख दिया बराबर ना, 1,50,000 और आप लोग क्या करते हो, बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर क्या आप लोग का, डेबिट, तो 1,50,000 डेबिट, डेबिट में आया, FEF कहाँ पे आया, डेबिट में, तो उल्टा करने का उसका, कहाँ पे लिखने का उसको, क्रेडिट में लिखने का, 2FEF बराबर ना, अकाउंट कितना 1,50,000 और कहाँ ट्रांसफर करने का मैंने बताया आप लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 1,50,000। अब आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग का डेबिट में ज्यादा है, मतलब आप लोग को क्या आया, लॉस आया बराबर ना, लॉस आया, क्लियर है, तो 1,50,000 डेबिट में आया ना, मतलब क्या आया आप लोग को, लॉस आया, तो लॉस आया तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में, FEF कहाँ पे, क्रेडिट में, लेकिन मैंने आप लोग कैसे नहीं समझाया, कैसे बताया, इसको टोटल करो, जो ज्यादा रहेगा किसमें है, डेबिट में, ये काय का अकाउंट है, FEF का है, तो डेबिट में आया तो कहाँ लिखो उसको, क्रेडिट में लिखो, और कहाँ ट्रांसफर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर समझ के भी करोगे तो आप लोग को देख के लगेगा कि 1,50,000 का क्या आप लोग को लॉस है ना, ये पूरे ट्रांजेक्शन में 25 का खाली प्रॉफिट हुआ था और 1,75,000 का लॉस हुआ था, तो मतलब बैलेंस करोगे तो मालूम पड़ेगा आप लोग को, मतलब नेट लॉस जो है आप लोग का कितना है, 1,50,000 का, तो लॉस होता तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते, तो डेबिट में लिखा और FEF क्रेडिट में लिखा बराबर है। इस तरह से भी कर सकते हो, और मैंने बताया आप लोग को टैली करके, अगर ज़्यादा डेबिट में आया तो FEF को क्रेडिट में लिखो और कहाँ लिख दो, प्रॉफिट लॉस को डेबिट में लिख दो। चलिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखिए आप लोग की कौन सी है, 10th अप्रैल की बराबर ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट एंट्री है आप लोग की 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को आप लोग पेमेंट कर रहे हैं बराबर ना, तो पेमेंट कर रहे हैं आप लोग का पैसा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे 2 बैंक अकाउंट बराबर है, बैंक अकाउंट में आप लोग का पैसा जा रहा है 25,000 बराबर ना, किसको जा रहा है, डेल को, तो डेबिट में क्या लिखी है, डेल लिमिटेड है, ये मैंने लिख लिया डेल लिमिटेड। आप लोग को पता है जैसे ही आप लोग पैसा आएगा या पैसा जाएगा, आप लोग पेमेंट करोगे या पैसा मतलब पेमेंट दोगे या पेमेंट लोगे, तो आप लोग को क्या निकालना पड़ता है, प्रॉफिट या तो लॉस, क्योंकि आप लोग को FEF से फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालना पड़ता है एक्सचेंज की वजह से बराबर ना। तो अभी आप लोग इसको कंपेयर करोगे, अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, इसका कंपेरिजन 73 से करने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आप लोग का लॉस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग ने ईयर एंड का कैलकुलेशन कर चुके हो ऑलरेडी, तो अब कंपैरिजन जब आप लोग का ईयर चेंज होगा तो किससे करोगे, आप लोग ईयर एंड वाले ट्रांजेक्शन से करोगे, मतलब आप लोग ने ऐसा पढ़ोगे आप लोग कि परचेस आप लोग ने कितने करे 76 में करे, ऐसा समझोगे, क्या कंसिडर करोगे, आप लोग ने खरीदे कितने में 76 में, वो भूल जाने का पुराने वाला, क्योंकि आप लोग ने ईयर एंड पे आप लोग ने उसका प्रॉफिट लॉस
कैलकुलेट करके आप उन्हें ट्रांसफर कर चुके थे। तो अभी क्या पढ़ने का, 76 में खरीदे, पेमेंट कितने कर रहे हैं 75 में, तो मतलब एक रुपए का क्या आप लोग का प्रॉफिट है ना, क्योंकि 76 में खरीदे। मैंने क्या बताया, पुराना भूल जाने का, ईयर एंड आया तो अब इसको समझ लेने का कि इतने में खरीदे थे, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर कर चुके हैं। तो 76 में खरीदे, परचेस किए, पेमेंट कितने करें 75 में, मतलब एक रुपए का क्या आप लोग का बेनिफिट है। तो बेनिफिट होता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, एफ ई एफ अकाउंट लिख दिया मैंने, बराबर है। अमाउंट कैसे लिखते थे हम लोग को पता है, 25 इंटू 75, तो 25,000 इंटू 75 तो कितना होता है 18,75,000, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18,75,000 बैंक में आ जाएगा। फिर 25 इंटू 1 वो कहाँ चले जाएगा, एफ ई एफ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 25,000, बराबर है। डेबिट में कुछ भी नहीं है, क्रेडिट में कितना है 18,00,000, दोनों मिलाएंगे तो 19,00,000 होता है, तो पूरा लिख देंगे यहाँ पे 19,00,000, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का इसका पेमेंट। अब लास्ट एंट्री वो आप लोग को खुद करना है, लास्ट एंट्री किसको करना है, आप लोग को खुद करना है, वो भी सेम है 25 की एंट्री है, तो वही रहेगा टू बैंक, और डेबिट में क्या रहेगा डेल, बराबर है। लेकिन पेमेंट जो कितना करा आप लोगों ने 71 से करा है, मतलब खरीदे कितने में थे 76 में, पेमेंट कितने करे 71 में, मतलब 5 रुपए का क्या आप लोग को प्रॉफिट है, कंपेयर करोगे तो 5 रुपीज का प्रॉफिट, बराबर ना, 5 रुपए का फायदा है आप लोग का, तो वही क्रेडिट में आ जाएगा एफ ई एफ, मल्टीप्लाई करोगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। लेकिन फिर ईयर एंड पे याद रखने का कि क्या निकालते हैं हम लोग, दो चीज़ें निकालते हैं, मतलब ये साल का भी ईयर एंड होगा ना 21st, मतलब इसका जो रहेगा 31 मार्च 2022 इसका ईयर एंड रहेगा, तो उस डेट पे आप लोग क्या निकालना पड़ेगा, आप लोग को एफ ई एफ निकालना पड़ेगा, और दो चीज़ें निकालना पड़ती है, तो पेमेंट करेंगे बैलेंस पेमेंट करेंगे तो कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है वो, और जो एफ ई एफ का बैलेंस रहता है उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ईयर आएगा इसका, तो आप लोग चेक करोगे कितना बैलेंस बचा है, बैलेंस कुछ बचेगा नहीं क्योंकि पूरा पेमेंट 1,00,000 देना था, 1,00,000 अपने दे चुके, तो मतलब ईयरली ट्रांजेक्शन एंट्री नहीं आएगी कि बचा हुआ पेमेंट जो हम लोग करते कर सकते थे तो कितना लॉस होता था, बराबर ना, वो नहीं आएगी। अब खाली क्या आएगा, एफ ई एफ को ट्रांसफर करने की, तो एफ ई एफ को ट्रांसफर कहाँ से करने का, ये साल के ट्रांजेक्शन में करने का, मतलब इसमें एंट्री रहेगी, और अभी जो आप लोग को मैंने बोला ना लास्ट एंट्री आप कीजिए उसमें रहेगा, और उसको ट्रांसफर कर दोगे। तो इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को, मतलब अकाउंट बनाओगे उसका, और इसका लेजर भी बनाना रहता है और जनरल भी करना रहता है, तो लेजर जनरल क्वेश्चन आएगा तो मैं आप लोग को सिंपल तरीके से एकदम समझाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहूँगा, आप लोग सजेशन देते रहिए। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, अभी तक कोई श्योरिटी नहीं आई है, तो जब तक श्योरिटी नहीं आई तो आप लोग आराम से मत बैठिए, पढ़ते रहिए, आपको आगे की नॉलेज भी आगे में भी यूज़ करना है आपकी नॉलेज, तो आप लोग को काम ही आएगा, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया तो अच्छी ठीक है, आप लोग की आप लोग का थोड़ा अच्छा हो जाएगा, अगर ऑफलाइन हो गया तो अचानक से होगा तो फिर आप लोग कैसे पढ़ पाओगे, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहिए और अपना पॉजिटिव देते रहिए। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके, थैंक यू वेरी मच।